हेलो फ्रेंड्स, एएनडी सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वैलेंस वाटल्स ने लिखा है। इस बुक को 1910 में लिखा गया और इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यहां तक कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस बुक की इम्पोर्टेंस आज भी कम नहीं हुई। ये बुक कई और बुक राइटर्स के लिए भी इंस्पिरेशन बनी, जैसे कि द सीक्रेट, जिसे रोंडा ब्राइन ने लिखा था, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी पॉपुलर बनाया। इस बुक के ऑथर अमेरिका में पैदा हुए थे और उनके शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे गरीबी और फेलियर से गुजरना पड़ा। उन्होंने फाइनली अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोचा। उनके शब्दों में कहें तो, अगर आप अमीर, सक्सेसफुल और हेल्थी बनना चूज नहीं करते तो अनजाने में आप गरीब, अनसक्सेसफुल और बीमार होना चूज कर रहे हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग ये बुक हर उस इंसान के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें। इस पूरी किताब को 16 चैप्टर्स में बांटा गया है। सभी चैप्टर के दौरान ऑथर हमें सिंपल भाषा में ऐसे मैसेज दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। बिना पैसों के एक सफल लाइफ जीना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। कांस्टेंट डेवलपमेंट हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर बिना पैसों के हमारा किसी भी तरह के मेंटल, फिजिकल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया में अमीर बनने की साइंस को समझा जाए। इस दुनिया में अपनी वर्थ से कम पर सेटिस्फाई हो जाने से बड़ा कोई और पाप नहीं है। क्यों कम से सेटिस्फाई होना जबकि आपके पास बहुत कुछ अचीव करने की एबिलिटी ऑलरेडी है। अमीर बनने की डिजायर आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। खाना, कपड़े, घर के साथ मेहनत करने वाले काम से मुक्ति, अच्छी पढ़ाई और दूसरे एंटरटेनमेंट के साधन माइंड और सोल के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप गरीब होते हैं तो आप इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए अमीर बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहले अमीर बनने की चाहत जरूरी है, उसके बाद आपको इसको पूरा करने के लिए इसके पीछे की साइंस को समझने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ऑथर कहते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह अमीरी का भी एक रूल होता है। कोई भी इन्हें फॉलो करके अमीर बन सकता है। एक फिक्स वर्किंग सिस्टम के साथ लगातार किए गए एफर्ट्स हमें वेल्थ की तरफ ले जाते हैं। जो लोग गलती से इसे फॉलो कर लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे गरीब के गरीब रह जाते हैं, चाहे वो जितना मेहनत करे। अमीर होना किसी खास एनवायरनमेंट या प्रोफेशन का नतीजा नहीं होता है। यहाँ तक कि अमीरी का इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटी या टैलेंट से कोई खास लेना देना नहीं होता। अक्सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग उनसे कम टैलेंटेड लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी का मतलब ये भी नहीं है कि आप गरीब या दबे हुए लोगों से पैसा वसूल करें, पर ये बहुत जरूरी है कि आप लगातार अमीर बनने के मेथड पर काम करते रहें। दुनिया में कम अमीर और ज्यादा गरीब, ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अमीरी का रास्ता मुश्किल है? बल्कि नहीं, क्योंकि नेचर ने अमीर बनने के लिए सारी क्वालिटी हमें ऑलरेडी दे रखी है। चाहे आप इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, मूर्ख हैं, अनहेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं या कमजोर हैं, सभी तरह के लोग अमीर बने हैं। अगर कोई आदमी आपकी सिटी से अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप किसी काम में हाथ डालेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड है। अगर आपका पड़ोसी सेम बिजनेस में आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब है कि आप दोनों की फंक्शनिंग में फर्क है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको आपके पड़ोसी की फंक्शनिंग को अडॉप्ट करना होगा। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। किसी एक का पैसों के ऊपर हक नहीं है। नेचर किसी एक को अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने से नहीं रोकती, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक। नेचर हर एक को आगे बढ़ने की बराबर अपॉर्चुनिटी देती है। नौकर को उनके मालिक गरीब नहीं बनाते, ना ही उनको दबाकर, ना ही बड़े बिजनेस बनाकर, बल्कि उनको गरीब बनाती है उनकी फंक्शनिंग, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड, जो अमीर बनने के साइंस से बिल्कुल उल्टे चलते हैं। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हमारा ब्रेन वो सेंटर ऑफ थॉट है जहाँ सारे थॉट्स पैदा होते हैं। जो भी हम बताते हैं वो पहले दिमाग में क्रिएट किया जाता है। बिना थिंकिंग के कुछ भी क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। अभी तक हमारे सारे काम मैनुअल लेबर से होते आए हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह किया गया है। हमने हमारे थॉट के बारे में नहीं सोचा है कि किस तरह एक ऐसी चीज को बनाया जाए जिसका कोई आकार ना हो। हम अभी भी सारी नीड्स के लिए नेचर पे डिपेंडेंट है। बिना मैनुअल लेबर के कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचने के लिए ये जरूरी है कि फंडामेंटल इफेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए। हर चीज की शुरुआत एक थॉट से हुई
जरूरी है और वो बेसिक सब्सटेंस है जो हर जगह मौजूद है अलग अलग शेप और फॉर्म में, विजिबल और इनविजिबल रूप में। ऑब्जेक्ट्स उस आइडिया से बनाए जाते हैं जो इस एलिमेंट से पैदा हुए हैं। ह्यूमन माइंड थॉट्स के जरिए अपने डिजायर थॉट को पाने की ताकत रखते हैं। अपना फेवरेट काम करके आप ये सोचने लगते हैं कि आपको क्या पसंद है। ये वेल्थ का पहला रूल है। हम हर उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, और भगवान का हमें ये सब बड़ा गिफ्ट है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है हम सबका फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में सोचने से उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने जो है उससे एग्री करना बहुत आसान होता है, जबकि फ्यूचर के बारे में सोचते टाइम इसे प्लान करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। हमारे सामने जो है उसे एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है। जो अभी हम देखते हैं वो हमारी थिंकिंग का हिस्सा बन जाता है। इसके ऑपोजिट अपने काम को प्लान करना और इसको सच करने के लिए मेहनत करना मुश्किल होता है। सिर्फ इस बारे में सोचे और उस चीज को देखें जो आप पाना चाहते हैं, उस बारे में आप ना सोचे जो आप नहीं चाहते हैं। ऐसी धार्मिक जगह जाना बंद करें जहां ये सिखाया जाता है कि सभी बुराई की जड़ पैसा है। ऐसी बुक मैगजीन से दूर रहे जो आपको आपके गोल से दूर ले जाती है। इन फैक्ट्स में यकीन रखें और बिना किसी आर्ग्यूमेंट और डिबेट के इन्हें फॉलो करें और इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लें। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। फैलाव जिंदगी का नियम है। हर एक जिंदा सब्सटेंस खुद को बढ़ाने के बारे में सोचता है और ये फैलाव हमेशा चलता है हमारी जिंदगी के आखिर तक। हमारे ब्रेन को भी एक्सपांशन पसंद होता है। हर थॉट एक नए आइडिया को जन्म देती है और नेचर से ज्यादा की उम्मीद करना हमारा हक है। भगवान भी चाहता है कि आप अमीर बने और मेहनत करके आप भी ऊपर वाले के इस काम में मदद कर सकते हैं। नेचर ये चाहती है कि आप वो सब अचीव करें जो आप चाहते हैं। नेचुरली हर चीज आपको बिलोंग करती है। पहले इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। आपका ऑब्जेक्टिव खुदगर्जी से इंस्पायर्ड ना हो, ये सब की खुशियों से इंस्पायर्ड होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को हाई लेवल पे सस्टेन करें। यही जीने का सही रास्ता है। नेचुरली हम सब इस आर्ट में माहिर हैं। एक कमी वाली, अब्यूजिव और बेमतलबी जिंदगी जीना जानवरों जैसा है। बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस और डेडिकेशन सक्सेस के रास्ते के रोड ब्लॉक्स हैं। ऊपर वाला आपसे बलिदान चाहता है। ऐसी चीजों पे यकीन ना करें। ऊपर वाला सिर्फ ये चाहता है कि आप सिर्फ बेस्ट दें ताकि आप उससे दूसरों की भी हेल्प कर पाएं। अपना बेस्ट देने के लिए आपको अमीर होना ही होगा। जासूसी करने, जेलसी या कॉम्पिटिशन से बचे। बहुत ज्यादा बहस में ना पड़े। खुद के लिए किसी और को धोखा ना दे। किसी और के लिए काम ना करें, और खास करके तब जब आपको आपके क्वालिफिकेशन से कम वैल्यू दी जा रही हो। किसी की प्रॉपर्टी को इंसल्ट की नजर से ना देखें। हेल्पलेस से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें। ऊपर वाले ने किसी एक को ज्यादा दिया है, ये बात गलत है। हम सब में सेम एबिलिटीज है। आपको एक प्रोड्यूसर बनना चाहिए, ना कि एक कॉम्पिटिटर। तब आपको वो मिलेगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में आपको उन सब लोगों से फायदा होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। सभी शक्तियां तैयार है आपको अमीर बनाने के लिए, लेकिन सवाल यह है आप खुद तैयार हैं? चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम टू यू। एक कस्टमर ने जितना पे किया है उससे ज्यादा की वैल्यू नहीं दी जा सकती, लेकिन उससे ज्यादा यूजफुल और अच्छी क्वालिटी का आइटम तो दिया ही जा सकता है। आपके लिए लोगों को हेल्प करना तब ज्यादा आसान होता है जब आप अपने इंटेंशन से कुछ क्रिएट करने पर फोकस करते हैं, ना कि कंपटीशन। तब आप दूसरों के साथ लड़ना छोड़कर खुद से कम्पीट करेंगे। ये मेथड सबसे सिंपल है। एक स्ट्रांग विल पावर से सब कुछ पाया जा सकता है। बात यह है कि आपकी इस विश में दूसरे लोगों के फायदे का भी कुछ हो। आपको ज्यादा मांगने में शर्माने, पैनिक करने और हेसिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा क्राइस्ट के अकॉर्डिंग जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। दरवाजा खटखटाने पर खोल दिया जाएगा और रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाएगा। हमें लाइफ में जिस भी चीज की जरूरत होती है, बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास भेजने के लिए काम कर रहे होते हैं और वो हमेशा करेंगे। उम्मीद, चाहत और एक्सपेक्टेशन भगवान की ही ब्लेसिंग्स है। वो भगवान की ही तरह इनफाइनाइट है, इसलिए सिर्फ वही इसे फिल कर सकते हैं। तो ज्यादा एक्सपेक्ट करने में शर्माना कैसा। ज्यादातर लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। लोग मानते हैं कि ऊपर वाले को गरीब की जिंदगी जीकर, बलिदान और समझौते की जिंदगी जीकर खुश किया जा सकता है। वो लोग गरीबी को भगवान का बनाया हुआ खेल समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। चैप्टर 7, ग्रेटिट्यूड। अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच काम में लाते हैं तो किसी गोल को सेट करने के लिए ब्रेन को कंट्रोल और बैलेंस करने के प्रोसेस को सिंपल और पॉसिबल बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि सभी तरह की एक्टिविटीज स्टार्ट होती है इंटेलिजेंट एलिमेंट से। दूसरा एलिमेंट आपके कॉमन डिजायर को पूरा करने का सोर्स है, और तीसरा ग्रैटिट्यूड दिखाकर इससे मिलने का है। गरीब लोग में ग्रैटिट्यूड की कमी होती है। वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने उनको गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के इस बनाए हुए प्रोग्राम को इंटरप्ट करते हैं जो उसने उसके लिए बनाया है। जो भी चीज आज आपके पास आ रही है वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आती है। आपका ग्रैटिट्यूड उसकी स्पीड को बढ़ाता है और साथ ही साथ और रास्ते भी खोलता है।
जाएगा ताकि आपको ऊंचाइयों का एक्सेस मिल सके जो इम्पोर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड आपको नेगेटिव और ब्रेन को नुकसान करने वाले थॉट से बचाता है। ग्रेटिट्यूड में कंसिस्टेंसी की कमी और अविश्वास की फीलिंग की तरफ ले जाती है और जिस वक्त ये फीलिंग हमारे दिमाग में पैदा होती है तब सब कुछ खत्म होने लगता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाते हैं तब आपका ब्रेन इन फीलिंग्स से रिलेटेड फीलिंग्स प्रिपेयर करता है और आपको ट्रांसफर करता है। आप अपने फीलिंग्स से मिलते जुलते लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक ग्रेटफुल माइंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को जन्म देता है। यह अच्छे रिजल्ट के लिए प्रोग्राम होता है और इसलिए यह हमेशा फायदेमंद नतीजे देता है। अपना पर्पस पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड को एक हैबिट बनाना होगा, इसलिए नेगेटिव टॉपिक्स पर अपना समय बर्बाद ना करें। ऊपर वाले का एक स्पेशल प्लान आपके लिए पहले से काम कर रहा था, हमें वहां पहुंचाने के लिए जहां हम आज हैं। इसलिए उसके प्लान को नकारने की बजाय हमें ये मानना चाहिए कि भगवान सही है और वो हमारा भला चाहता है। चैप्टर 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करना होगा, तभी आपका ब्रेन इससे रिलेटेड वेव्स को ट्रांसफर कर पाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑलरेडी रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं। वो हमेशा अपनी विशेष की दुविधा में फंसे रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो थॉट एलिमेंट तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते। जब आप अपने थॉट्स पर अविश्वास और डाउट के साथ काम करना शुरू करते हैं तो मान के चलिए आप अपना फेलियर पहले ही तय कर चुके हैं। हमेशा अपनी बड़ी सोच रखें, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में महसूस करना सीखें, अपने गोल पर निगाह रखें और फुर्सत के पल में अपने थॉट को नर्चर करते रहें। ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। इसमें कुछ टाइप की स्पेशल वेव्स शामिल होती है। अलादीन की तरह सब कुछ आपके ही हाथ में है, बस आपको खुद को शेख चिल्ली ना बनने देना है। अपने ड्रीम को पहचानना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ये बिलीव भी कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 9, How to use the will. Will power आपको अमीर बनने में बहुत मदद कर सकता है। आप अपने will power को खुद के लिए use करें, ना कि दूसरों के लिए, चाहे ये उनके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। अपने will power को use करें किसी विशेष दिशा को सोचने के लिए और अपने goal को achieve करने के लिए। ऐसा नहीं करें कि आप अपने thought को बस अलग direction में लगा दें। जितना गहरा आपके faith और purpose होगा उतना ही जल्दी आप success achieve करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी को study करने की जरूरत नहीं है। उल्टी दिशा में जाके आप अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। बीमारी के बारे में बात करके हम ठीक नहीं हो सकते। पाप के बारे में सोचकर हम पुण्य नहीं कमा सकते। अपना टाइम उन ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट ना करें जो चैरिटी, रिलीजन और गरीबी को पूरी तरह खत्म करने की बात करते हैं। सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करके आप गरीबी से लड़ सकते हैं। गरीब को दया और भीख की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है तो सिर्फ इंस्पिरेशन की। अगर आप सच में किसी गरीब को मदद करना चाहते हैं तो पहले आप खुद अमीर बने, फिर गरीब को अमीर बनने में मदद करें। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। उस इंसान के लिए अपने सपने सच करने का ख्याल बेकार है जो अपने ड्रीम के विरुद्ध जाता है और उल्टे डायरेक्शन में काम करता है। कल के किए गए स्ट्रगल्स और परेशानियों के बारे में मत सोचिए और ना ही बार बार अपने बाप दादाओं का रोना रोइए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन हीन भावनाओं से घिरने लगेगा। एज अ रिजल्ट ये आपकी पॉजिटिव स्पीड को धीमा करेगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी चीज सीखने के लिए समय लें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो डिसअपॉइंटमेंट होने वाली इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ऊपर वाले ने आपके दिमाग में सक्सेस का बीज बो रखा है, इसे नरिश करें पॉजिटिव थॉट्स के साथ। दिन रात इसे नेगेटिविटी से बचाएं। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसे ये सही दिशा में ग्रो कर सके। सक्सेस की पीक तक पहुंचना हर इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है, इसलिए ये नेचर के लॉ के खिलाफ है कि हम किसी और से कंपटीशन के रास्ते में अमीर बनने की कोशिश करें। लेकिन हम क्रिएटिव आइडियाज लाएं जिससे सब कुछ चेंज हो सके। आपको सिर्फ अपने ड्रीम पर स्टिक करना है। चैप्टर 11, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। आपके विचार वो ड्राइविंग फोर्स है जो क्रिएटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमें डिजायर रिजल्ट देता है। अपने ड्रीम के बारे में सोचना सिर्फ आपको एनकरेज कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं करेगा। अगर इसे महसूस करने के लिए नेसेसरी एफर्ट्स ना लगाए जाए तो आपके सपने मर भी सकते हैं। अभी तक इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि वो सिर्फ सोच कर ही चीजें बना सके, इसलिए आइडियाज को जरूरत होती है एफर्ट्स की, ताकि डिजायर रिजल्ट्स अचीव किए जा सके। अपने आइडिया पर सही से काम करें ताकि आप अपने सपनों को सच कर पाए। जब आप इस चीज को रियलाइज करते हैं तब आपके पास चीजें खुद ब खुद आने लगती है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आप में तभी आएगी जब आप उस पर काम करेंगे। अदरवाइज चीज आपके आंखों के सामने से निकल जाएगी और आप इन्हें देखकर सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। आपको उन्हें तुरंत ट्राई करना चाहिए। अपने एफर्ट्स को ये
सोचकर पोस्टपोन ना करें कि आप सही बिजनेस या सही एनवायरनमेंट में नहीं है। प्रेजेंट में फोकस करने के लिए अपना बेस्ट दें। बीते हुए कल पर गुस्सा करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। आने वाले कल के बारे में सोचकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। ऐसी उम्मीद ना करें कि सब कुछ मायावी और मिस्टीरियस होगा। वक्त या एनवायरनमेंट के बदलने का इंतजार ना करें। चैप्टर 12 एफिशिएंट एक्शन। आप तभी प्रोग्रेस करेंगे जब आप सिर्फ विश करना छोड़ेंगे और काम पर लगेंगे, क्योंकि एफर्ट्स में अगर कमी आती है तो आपके ज्यादा पाने की चाह रखना बेकार है। आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है उन लोगों के एफर्ट्स की वजह से जो ज्यादा उम्मीद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करने की हैबिट बनाए। वो लोग जो आज के काम को कल पर टाल रहे हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि आगे चलकर भी उनके हाथ फेलियर ही लगने वाली है। पूरे डेडिकेशन के साथ कोशिश करने पर सक्सेस के डायरेक्शन में बहुत सी पावर एक्टिवेट हो जाती है। हो सकता है कि आपको अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन ये जानकर भी छोटे एफर्ट्स करना ना भूले। छोटे और बड़े एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी तक आपने कितना काम किया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना काम एफिशिएंटली किया है। एफिशिएंसी से किया गया काम आपको सक्सेस देता है, इसलिए अपनी पूरी लाइफ एफिशिएंटली काम करके ही अपनी सारी डिजायर पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग मेंटल और फिजिकल पावर्स के बीच तालमेल नहीं बना पाते। वो सोचते कुछ और है और करते कुछ और। सही गलत जो भी आप सोचते हैं, पावर दोनों में लगती है, तो क्यों ना इसे राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए और इससे 100% सक्सेस आपकी पक्की भी होगी। एक बार सक्सेस आपके हाथ लग जाए तो उसके बाद आप कई और दरवाजे खोल सकते हैं। चैप्टर 13 गेटिंग इनटू राइट बिजनेस। किसी भी टास्क को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए, किसी काम को करने के लिए डेडिकेशन और स्किल्स के लिए आपको खास अटेंशन की जरूरत होती है। बिना स्किल्स के किसी काम को करना अक्सर इम्पॉसिबल होता है। आपकी परफेक्शन आपके काम को फिनिश करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसे करके आप अमीर ही बन जाए। दुनिया ऐसे हजारों लोगों से भरी पड़ी है जो अपने काम में पूरी तरह से रम चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बने। उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी काम में एफिशिएंट हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपके स्किल्स को सही डायरेक्शन में लगाया जाए। आपका ब्रेन ऊपर वाले की तरफ से दिया गया सबसे बढ़िया गिफ्ट है, इसका सही यूज करें। आप किसी भी बिजनेस के साथ आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। आपके हर बिजनेस में सक्सेस श्योर होगी जिसमें भी आप अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने एबिलिटीज को लगाएंगे। आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसमें कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हैं, चाहे आप इसमें बिल्कुल नए ही क्यों ना हो। इससे सीख कर किया जा सकता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बिजनेस में सक्सीड करना ज्यादा आसान होता है। अपनी फेवरेट चीज करना भी जिंदगी का दूसरा नाम है। डिजायर पावर का साइन है। अपने हर काम को परफेक्शन के साथ करें। बेवजह की देरी और बेवजह की जल्दबाजी दोनों आपको मुश्किल में ही डालेंगी। चैप्टर 14 द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। नेचर को भी अबंडेंस पसंद है। भगवान का मैसेज भी अबंडेंस से रिलेटेड ही है। धरती पे रहने वाली हर एक चीज की डिजायर सेम है, वो है अबंडेंस, मतलब अधिकता। इंटरप्शन का मतलब है मर जाना। जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग उनको ज्यादा दिया जाएगा जिन्हें ज्यादा की जरूरत है, पर उनसे वापस ले लिया जाएगा जो सेटिस्फाई हो चुके हैं। ज्यादा लाइफ में चाहत रखना कोई पाप नहीं है। ये लाइफ में अबंडेंस का एक पहलू है। अबंडेंस की चाहत हमारी आत्मा की आवाज है। आपसे मिलने वाले हर इंसान को अबंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। महसूस करें कि आप सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और सेम टाइम आप हजारों लोगों को आप सक्सेस पाने में मोटिवेट भी कर रहे हैं। खुद को इतना ज्यादा पॉजिटिव बनाएं कि जो भी आपके कांटेक्ट में आए वो खुद के बारे में इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव फील करे। अपने फायदे के लिए लोगों को यूज ना करें, उन्हें धोखा ना दें, ना ही उन्हें पागल बनाएं। दूसरों को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाएं, ना ही खुद किसी की उंगलियों पर काम करें। अपनी किस्मत को खुद बनाएं, कॉम्पिटिशन से दूर रहे, और जो उनका गोल्डन रूल याद रखें जो कहता है दूसरों को इस तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आप ट्रीट होना चाहते हैं। चैप्टर 15 एडवांसिंग मैन। अमीरी के सिद्धांत को जॉब में भी ना भूलें। आपके बॉस आपके काम से खुश होंगे और आपकी सक्सेस में मदद करेंगे। याद रखें, ऐसा एम्प्लॉई जो ईमानदारी और हार्डवर्क के साथ काम करता है अपने बॉस की सबसे बड़ी वेल्थ होता है। इसलिए उसे वहाँ काम करना चाहिए जहाँ उसका बॉस चाहता हो, ना कि वहाँ जहाँ आप चाहते हो। अपनी सक्सेस को दिमाग में रखें, अपने डिसीजन को मजबूत करें और एक निश्चित दिशा में लगातार एफर्ट डालते रहें। अपने कॉन्टेक्ट में आने वाली सभी लोगों को एनकरेज करना शुरू करें। ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपकी सक्सेस खुद इसका रास्ता ढूंढ लेगी। आपको बस इसे दिशा देनी है। अमीरी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें। अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्योंकि उनके कनेक्शन दिखाई नहीं देते, इसलिए आप बता नहीं सकते कि कौन सा मौका आपके लिए पहले सक्सेस लेकर आएगा। जब आप सक्सेस पाने के लिए डिटरमाइन होते हैं, तब ऊपर वाले की आपको अमीर बनने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्स तक पहुंचती है।
है, आप बस अपने एफर्ट्स देते रहे। चैप्टर 16 सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। चाहे आप जिस कंट्री, कास्ट या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी समय अमीर बन सकते हैं उन रास्तों पे चलकर जो आपको वहां ले जाते हैं। आपका अमीर बनना न सिर्फ आपके कंट्री, समाज, जगह और सोसाइटी के लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी सक्सेस के दरवाजे खोलेगा। फ्यूचर की संभावना के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में अपना दिमाग ना लगाएं, अपना सारा ध्यान रोज के टास्क पर लगाएं। जब आप रोज के काम करने के लिए आदी हो जाते हैं तो आने वाला मिसफॉर्च्यून के चांसेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। जो भी हो रहा है, सही या गलत, उसको यूनिवर्स के ऐसे काम की तरह देखें जो काम के साथ कोलैब कर रहा है और किसी भी समय डिसअपॉइंट ना हो। किसी श्योर डायरेक्शन में काम करने पर भी आपको वो नतीजे नहीं मिल रहे हो तो सब्र रखें, कुछ समय बाद आपके डिजायर रिजल्ट आपके सामने होंगे। याद रखें कि बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके माइंड के साथ जुड़ी होती है, ना ही आंखों के साथ। अब्राहम लिंकन अपनी बुक वर्ड्स ऑफ लिंकन के एंड में कहते हैं, कमजोर लोग सेफ्टी तलाशते हैं जबकि स्ट्रॉन्ग लोग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में ये सब कैसे ला सकते हैं, तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करें। ये बुक वो फोर्स है जो आपको वास्तविक अमीर बनाती है। शुक्रगुजार रहें, ग्रेटिट्यूड का नियम, एक्शन और रिएक्शन का नियम है। याद रखें, ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बने। कॉम्पिटिशन के विचार से बाहर निकलें। किसी को धोखा दिए बिना, किसी का फायदा उठाए बगैर बिजनेस करें। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। अगर आप काम करते हैं तो क्रिएटर बने, ना कि कॉम्पिटिटर। आपके साथ वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं, और ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर है। हमें कॉम्पिटिशन का रास्ता छोड़कर क्रिएटिविटी का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें जरूरत है अपने दिमाग में पर्सनल ड्रीम बनाने की और इसे लगातार पॉजिटिव थॉट से नर्चर करने की, और साथ ही साथ हमारे पर्पस और बिलीव की डेप्थ इंक्रीज करने की। नेगेटिव थॉट से दूर रहें जब तक कि आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, क्योंकि ये आपके और आपके ड्रीम को मार सकता है, आपके फेथ को डिक्रीज कर सकता है। हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें लगातार एफर्ट करने होंगे, उसके साथ ही साथ प्रेजेंट एनवायरनमेंट में भी रहना होगा। जल्द ही सब कुछ अपने आप ही हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।